हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम गर्ग और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और ख़ास होने जा रही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको पोकेमॉन गो से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो बताने जा रहा हूँ। मतलब कि अगर आप एक पोकेमॉन गो में स्पूफिंग करते हैं तो जो है आपको रेड वार्निंग कभी ना कभी तो एक बार तो पक्का मिली ही होगी, और जो है उस रेड वार्निंग की वजह से जो है हमें आगे बहुत सारी दिक्कतें आती है, और उस रेड वार्निंग की वजह से जो है हमारा कभी कभी अकाउंट सस्पेंड भी हो जाता है। लेकिन पहले तो हमें टेम्प्ररी सस्पेंडिंग मिलती है वार्निंग, और फिर जो है बाद में हमारा परमानेंट बैन कर दिया जाता है। तो आज उसी के लिए जो है मैं ये वीडियो लाया हूँ, और इस वीडियो में मैं है जो आपको बताऊँगा कि आप अपने पोकेमॉन गो में बैन प्रूफ स्पूफिंग कैसे कर सकते हो। ना मतलब आपको कुछ रेड वार्निंग दिखाई देगी, ना ही शैडो बैन होगा और ना ही सॉफ्ट बैन, और आप जो है आराम से स्पूफिंग कर पाओगे और अपने मनपसंद पोकेमॉन पकड़ पाओगे जैसा कि आप चाहते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी ही पोकेमॉन गो से रिलेटेड जो है हैक्स और ट्रिक्स मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही जो है बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो हम जो है आपको दो चार जो है ट्रिक बताएंगे, मतलब कि उन ट्रिक के माध्यम से जो है आप अपने पोकेमॉन गो में जो है बैन प्रूफ स्पूफिंग कर पाओगे, और उससे आपको कोई भी बैन नहीं मिलेगा आगे से अगर आप जो है हमारी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे। तो हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी जो है ट्रिक आजमाते हैं और अपने पोकेमॉन गो में जो है स्पूफिंग कर पाते हैं, वो भी बिना किसी बैन के या फिर कोई बिना रिकावट के या कोई प्रॉब्लम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे जो है मैं अपना पोकेमॉन को थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देता हूँ, और अपनी जॉयस्टिक को भी थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देता हूँ, और चलते हैं अपनी ट्रिक की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो है आपको अपने प्ले स्टोर पर चले जाना होगा, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद जो है आपको ऊपर 3 कॉलम्स दिख रहे होंगे। इसमें जाने के बाद जो है आपको जाना होगा अपने ये प्ले प्रोटेक्ट पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस पे जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो ऊपर सेटिंग का आइकन दिख रहा है, आपको सिंपली इसके ऊपर चले जाना है, और यहाँ पे जो है आपको जो ये दोनों ऑप्शन जो है इनेबल दिख रहे हैं, आपको इन्हें टर्न ऑफ कर देना है। हाँ, अब आप इसके ऊपर जो है एक शर्त सुन लीजिए कि आपको टर्न ऑफ कब करना है। तो अगर आप जो है मैजिक से स्पूफिंग करते हैं, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप चाहे तो उसे देख सकते हैं कि अगर आप मैजिक से स्पूफिंग करोगे तो आपको जो है टर्न ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप डाउनग्रेड करके स्पूफिंग करते हो तो आपको ये है जो है मतलब जो है डिसेबल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो है इससे आपके जो पोकेमॉन गो में बैन के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए जो है आपको एक बार इसको यहाँ से डिसेबल करना होगा। लेकिन जो है मैं मैजिक से स्पूफिंग कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ से जो है इसको डिसेबल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक। तो हमारी जो है नेक्स्ट ट्रिक वो है कि आपको चले जाना होगा अपनी पोकेमॉन गो की जो है सेटिंग में, मतलब उसके ऐप इंफॉर्मेशन में। तो वो जाने के लिए हम जाते हैं अपनी यहाँ पे सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद जो है आपको अपना पोकेमॉन गो यहाँ पे ढूंढना होगा मैनेजर्स में जाके। तो यहाँ पे चले जाते हैं हम अपने पोकेमॉन गो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम अपने पोकेमॉन गो में आ गए हैं, मतलब उसकी ऐप इंफॉर्मेशन में। तो यहाँ से जो है आपको सिंपली अपने पोकेमॉन गो का क्लियर कैचे कर देना है, और साथ ही क्लियर डाटा भी कर देना है। तो आप एक बार सुन लीजिए कि इससे होगा क्या। तो हमें जो है ये बेफालतू में मतलब ऐसा कुछ नहीं होता जो मैं आपको बताऊँगा, इसके पीछे एक कारण है, और वो कारण ये है कि जो है आप इसको क्लियर डाटा इसलिए कीजिएगा क्योंकि जो आपका जो पोकेमॉन गो का अंदर जो भी आपने अभी तक जो प्ले किया हुआ था स्पूफिंग से, तो उसका जो है एक रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड मतलब बोले तो एक डाटा होता है जो कि जो है पोकेमॉन कंपनी के पास चले जाता है, मतलब नियांटिक के पास चले जाता है। वो कब जाता है? वो जाता है 2-3 हफ्तों में, और उन 2-3 हफ्तों के अंदर जो है आपका पोकेमॉन गो के अंदर जितना भी आपने अभी तक जो है गेम प्ले किया है, अपने मतलब आपने वॉकिंग से किया है या फिर आपने स्पूफिंग से किया है, वो सब जो है उनके पास जो है एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होके चले जाती है, और उस इन्फॉर्मेशन से वो है वो पता लगाते हैं कि आपने मतलब किस तरह से पोकेमॉन गो में गेम प्ले किया है, वॉकिंग करके मतलब रियल करके, या फिर जो है आपने कुछ टेलीपोर्टिंग स्पूफिंग या फिर GPS जो है का जो है इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए जो है आपको क्लियर कैचे करना होता है, आपको जो है एक बार तो ज़रूर करना होगा, और इससे जो है आपका जो है पोकेमॉन गो के पास मतलब कंपनी के पास जब भी आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी तो जो है वो कभी भी जो है मतलब सही इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी,
और जो है आपको वो है पता नहीं लगा पाएगा कि आप स्पूफिंग करते हो कि वॉकिंग करते हो। और इसी तरह से जो है आपको कभी बैन जो है कभी नहीं मिल सकता पोकेमोन गो में। और मेरे को भी जो है खेलते खेलते 2-3 साल तो मतलब इससे भी ज़्यादा हो गए, 4 साल तो हो ही गया पोकेमोन को खेलते खेलते, और मेरे को आज तक जो है एक बार भी वार्निंग नहीं मिली है, क्योंकि मैं जो है इन सभी जो ट्रिक है इन सबको फॉलो करता आ रहा हूँ। तो आपको बस सिंपली इन बातों का जो है वो ध्यान रखना है। तो आपको जो है बस पोकेमोन में फिर क्लियर कैच वो सब कर कर अपनी जो है फेक जीपीएस जो हिसाब भी आप इस्तेमाल करते हो, FGL प्रो फेक जीपीएस जो स्टिक कोई सा भी एनीवेज कोई सा भी करते हो, हम तो वैसे करते अपनी फेक जीपीएस जो स्टिक जिसका हमारा नाम है न्यू पोगो जो स्टिक मतलब कि जीपीएस जो स्टिक। और इसका भी जो है आपको एक बार जो है क्लियर कैच करके और क्लियर डाटा ज़रूर कर देना है, और इससे भी जो है आप अपना बैंड प्रूफ स्पूफिंग कर पाओगे। और हफ्ते में बस आपको इनको बस एक एक बार ही करना है, ज़्यादा बार नहीं करना है, ठीक है। और अब हमारी जो है थर्ड ट्रिक वो ये है कि हम एक बार चलते हैं उस पर, हम यहाँ पे अपने पॉकेट जॉयस्टिक दोबारा अगेन ओपन करते हैं, एक्सेप्ट वक्सेप्ट ये सब कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है अपने वापस सब कुछ स्पूफिंग इनेबल कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से इसको इनेबल इसको डिसेबल, और यहाँ पे चलते हैं अपनी लोकेशन की ओर जहाँ पे हमें अभी हम स्पूफिंग कर रहे थे। तो हमारी लोकेशन ये रही, स्टार्ट करते हैं दोबारा, परमिशंस को अलाउ करते हैं और हमारी जो स्टिक स्टार्ट हो गई। तो जो है ये ट्रिक थर्ड वो पोकेमोन गो के अंदर ही है, तो आप देखते जाइए कि मैं क्या क्या करता हूँ इसके अंदर। आपको बस वो है सिंपली वो वाली भी ट्रिक जो है फुल करनी होगी, मतलब फुल उसको कंप्लीट गाइड करना होगा, तभी जो है आपको भी अच्छे से बैंड प्रूफ स्पूफिंग हो पाएगी आपसे। तो हम इसमें अपनी जो है जल्दी से इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं रिटर्निंग 1 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने अपना अकाउंट साइन इन कर लिया है, और हम चलते हैं अपनी जो है थर्ड ट्रिक जो पोकेमोन गो के अंदर ही है। तो यहाँ पे हम अपनी परमिशंस को अगेन अलाउ कर देते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट वक्सेप्ट वो सब जो है कर लेते हैं, और आ गए हम अपनी लोकेशन में। तो ये रही, तो दोस्तों मेरे को जो है दूसरे अकाउंट से इसमें मतलब लॉगिन करना पड़ा है, उस अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी अभी, मतलब कि हमने अभी क्लियर डाटा किया था तो वो एकदम से जो है इसके अंदर नहीं होता लॉगिन, तो मैंने दूसरे अकाउंट से किया है। कोई बात नहीं, लेकिन ट्रिक तो वैसे ही है सेम। तो यहाँ पे जो है अब आपको क्या करना होगा अपने जब आप पोकेमोन गो के अंदर आ जाओगे, तो यहाँ पे जो है आपको अपने पॉकी बॉल के ऊपर दबाना है, मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा पॉकी बॉल का आइकन इसके ऊपर दबाना है, और यहाँ पे चले जाना है आपको अपने सेटिंग में। और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है एडवेंचर सिंक, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एडवेंचर सिंक, मतलब आपको जो है इसको कभी भी इनेबल नहीं करना है। हाँ अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत अच्छा अपडेट है पोकेमोन गो की तरफ से, क्योंकि जो है अगर हम पोकेमोन गो नहीं खेल रहे होंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली जो है वॉक काउंट कर लेगा और हमारे हैक जो है हैच होने लग जाएंगे। तो नहीं, आप भूल कर भी ये जो है गलती मत कीजिएगा, आपको कभी भी जो है इसको इनेबल नहीं करना अगर आप स्पूफिंग करते हो। हाँ अगर आप वॉकिंग करते हो तो आप इसे इनेबल ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अगर आप स्पूफिंग करते हो तो आपको कभी भी इसको इनेबल नहीं करना, मतलब कि जो है ये एक तरह से पोकेमोन गो वालों की एक तरह की तरकीब है, एक ट्रिक है कि वो जो है स्पूफर्स को पकड़ पाए। वो मतलब कि क्या करते हैं, अगर आप एडवेंचर से ऑन करोगे, अगर मैं यहाँ से इसको ऑन कर लेता हूँ तो ये जो है पोकेमोन गो वाले मेरी जो है लोकेशन को इजीली ट्रैक कर पाएंगे और पता लगा पाएंगे कि मैं स्पूफिंग कर रहा हूँ कि वॉकिंग कर रहा हूँ, और जो है इजीली जो है मेरे तक पहुँच जाएंगे और मेरे अकाउंट तक पहुँच जाएंगे, मतलब और जो है मेरे अकाउंट में पहुँचने के बाद वो देख सकते हैं कि मैं जो है कैसे कैसी एक्टिविटीज़ को प्रीफर कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं जो है आपको एडवाइस करता हूँ कि आप जो है एडवेंचर सिंक का ऑप्शन को भी इनेबल मत कीजिएगा भूल कर भी, अगर आप एक स्पूफर है तो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ ही जो है बेल नोटिफिकेशन उसको भी प्रेस ज़रूर कर देना। सो थैंक यू।